मुझे याद आया इनकी एक सबसे ऊंची बिल्डिंग है स्काई गार्डन, और जहाँ मैं बैठा हूँ 35 ही फ्लोर है, ज़्यादा फ्लोर नहीं है इसके, लेकिन इन्होंने जिस लेवल का ये बनाया हुआ है ना स्काई गार्डन, पीछे पीछे की तरफ जो है उधर पीछे इन्होंने गैलरी बनाई जहाँ से पूरा लंदन नीचे दिखता है। मेरा एक मशवरा ये था अपनी हमारी गवर्नमेंट को कि हमारे पास जो है वो हाइपर स्टार भी है, हमारे पास अब तो और भी मॉल बन रहा है, 60-65 मंजिल का बन रहा है कराची में, हबीब बैंक की बिल्डिंग है, हमारे पास और कुछ बिल्डिंग्स हैं कराची में टावर के ऊपर, जिसको हम इस तरह के गार्डन ऊपर बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन डेक बना सकते हैं, जिस पे हम टिकट लगा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और लोग आके कराची नीचे से तो अच्छा है नहीं, ऊपर से तो अच्छा ही लगता है जब आप जहाज से देखो तो, शाम में खोलो दिन में ना खोलो वरना सिर्फ धूल मट्टी दिखेगी, तो अगर रात का अगर हम एक एक ऑब्जर्वेशन डेक बना लें, ऐसा नहीं तो कम से कम इस जैसा बना लें, तो कम से कम देखो ना पीछे पीछे पूरा लंदन है, जो ऊपर से कराची देखने को मिल जाएगा, किमाड़ी देखने को मिल जाएगा, टिकट लगा सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। देखो ये छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, इससे इससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं गवर्नमेंट्स जो हैं, तो हमारे पास तो इससे ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, यहाँ तो बिल्डिंग हैं अब, मतलब यहाँ का तो खैर कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे एक से एक बिल्डिंग है कराची के अंदर, टावर पर हैं, शार फैसल पर हैं, वहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन डेस्क बनाएँ, उसको सेल करें, उस पर हम रेस्टोरेंट खुलवा दें, ऊपर कैफ़े खोल जाएँ, लोग आके बैठें, सब कुछ हो सकता है। एक ज़माने में शारे फैसल पे एक रेस्टोरेंट होता था रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, वो गोल गोल हल गोल हल्का सा घूमता था, तो वो अब तो बंद हो गया, वो बहुत चला, लेकिन इस तरह के ऑब्जर्वेशन डेस्क भी घूम सकते हैं।